नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हो चुकी है, एक और यानी कॉप्स कमांडर, जो लगातार बात हो रही थी कि आप टॉप लेवल पे बात कीजिए, क्योंकि ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत लगातार हो रही थी, कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। न चीन की सेना पीछे हटने को तैयार थी, न भारतीय सेना पीछे हटने को तैयार थी। अब दोनों सेनाओं के बीच ये निश्चित तौर पर बात निकल कर सामने आ गई है कि अगर तुम डेप्सांग से नहीं हटोगे, अक्षय चीन का इलाके से पीछे नहीं भेजोगे अपनी सेना को, चीन को ये भारत ने कह दिया है, तो हम ये जो स्पोंगुर गैप के आसपास हमने पूरे के पूरे इलाकों में चढ़ाई की है, साउथ पिंगोंग सो और नॉर्थ पिंगोंग सो, इस तरफ जो हमने चढ़ाई की है, हम अपने सैनिकों को वहां से किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। अगर अप्रैल से पहले वाली सिचुएशन चाहिए तो फिर आपको भी पीछे जाना पड़ेगा और हम भी पीछे उसके बाद जाने की सोचेंगे। फिलहाल इस पर भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे पूरी तरह से बातचीत वहां पर कंफर्म नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि पहले आप उसी यथास्थिति पर जाइए जो अप्रैल के वक्त पर थी। अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ सैन्य ताकत दोनों देशों की तरफ से दिखाई दे रही है, लेकिन भारत की एयर पावर को चाइना जानता है। अगर उनके G20 को एक तरफ कर दिया जाए तो और कोई बात करने के लिए है ही नहीं चीन के पास, कोई ऐसा हथियार, कोई ऐसा औजार जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा की जा सके। जबकि भारत अलग अलग विमान, अलग अलग फाइटर जेट्स दिखा रहा है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो जिसके जरिए आप अपने सैनिकों तक खाद्य सामग्री, रसद, सब कुछ पहुंचा सकते हैं, या फिर जिसके लिए हमने आपको बताया था हरक्यूलिस विमान कितना मददगार है, अब भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा विमान है, और इसके साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टर जो सिर्फ रसद और खाद्य सामग्री नहीं बल्कि आपके लाइट कॉम्बैट जो एम्यूनेशन है उसको भी वहां पर पहुंचा सकते हैं, होविट्जर तोपे हैं जो लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनको वहां पर पहुंचा सकते हैं, और इसके अलावा वो जो आपकी आर्टिलरीज जो टुकड़ी होती है, जो छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं, उनको बहुत तेजी से जो है फॉरवर्ड पोस्ट पर ले जा सकते हैं। अब ये तो हुई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की बात, लेकिन हालिया समय में जो तस्वीर आई है, आपको रफाल की तस्वीर सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि रफाल अब बार बार लगातार हम आपको यहां पर आपको सबसे पहले खबर मिली थी, और उस खबर के जरिए हमने ये बताया था आपको कि रफाल कैसे अब LAC के पास उड़ान भरकर वापस आया। क्योंकि देखिए, रफाल को आप हर जगह पे नहीं लैंड करवा सकते, क्योंकि स्पेशल खर्चा करके हजारों करोड़ लगाकर रफाल के लिए अंबाला में जो है वो अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग, एक तरह से आप समझ लीजिए उसे, वो तैनात वहीं पर रहते हैं, वो ओपन एयर स्पेस के अंदर, जैसे आप आम विमानों को देखते हैं हवाई पट्टियों पर तैनात हैं, उस तरह से आप राफाल की तैनाती नहीं कर सकते हैं। तो अंबाला में बाकायदा पूरा एक बेसमेंट पार्किंग बनाई गई है उसके लिए, जहां पर वो तैनात रहते हैं, इसीलिए वो निश्चित तौर पर लद्दाख जा रहे हैं, सॉर्टीज कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं बिफोर गेटिंग ऑपरेशनली रेडी। ये जो उड़ान है ये निश्चित तौर पर डराएगी दुश्मन को। इसके अलावा सूट 30 MKIs वहां पर पहले ही मौजूद थे, इनका आकार इतना बड़ा है, खासतौर पर जब ये रफाल के सामने भी खड़े होते हैं तो रफाल इनके आगे छोटा लगता है। खैर, रफाल क्योंकि 4.5 जनरेशन है तो बहुत ज्यादा स्लीक होगा, मच मोर एडवांस्ड होगा, लाइटर वेट है, तो ये सारी की सारी चीजें रफाल को और बेहतर बनाती हैं। सू 30 MKI क्योंकि 1997-98 में जो है इंडिया में इंडक्ट हुआ था, तो और निश्चित तौर पर रशियन बेस्ड है, तो थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और देखते ही बनता है दुश्मन की कि इसको देखकर तो हालत खराब हो जाएगी। इसके अलावा जो MiG-29 है, MiG-29 का निश्चित तौर पर अब यह हालिया तस्वीर सामने निकल कर आई है MiG-29 की, और MiG-29 की तैनाती का मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि भारत अपने अलग अलग इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को, जो कि आर्मर्ड एयरक्राफ्ट्स हैं जिनके नीचे आपको मिसाइलें तैनात दिखेंगी, और इन सारी चीजों से भारत निश्चित तौर पर डराने की कोशिश कर रहा है चाइना को, क्योंकि चाइना की तरफ से भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है, भारत भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और क्योंकि भारत की एयर पावर इस वक्त पे चाइना से बहुत आगे है, 62 में भी थी लेकिन 62 में नेहरू ने प्रयोग नहीं किया, इस वक्त पे भी हम आगे हैं और इस वक्त पर हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें बेहद दिलचस्प है इंडियन एयरफोर्स की, एक तरफ रफाल, एक तरफ सू 30 MKIs और एक तरफ MiG-29। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए।